हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब? आपके लिए आया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। मेरा नाम है आफरीदी, आप देख रहे हैं काइटिंग एन आर्ट। आज मैं लेकर आया हूँ एक मांजा जिसका मैं आज रिव्यू देने वाला हूँ। आप देखें और इन्जॉय करें, आज मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछला वीडियो मैंने काइट्स पे बनाए थे जो मैं लेकर आया था, आप सभी को अच्छा लगा और थैंक यू, आप सब ने अच्छा व्यू दिया, उसका रिव्यू दिया। मेरी पहली वीडियो थी और उसकी रिव्यू अच्छी रही, थैंक यू वेरी मच। और आज चलिए आज शुरू करते हैं, आज की टॉपिक पे आते हैं। तो आज ये मांझा है, ये मांझा है 12 रील की, जो मैं आपको करीब से भी लाकर दिखाऊंगा अभी। जी हाँ, अभी मैं आप ये कॉल पी ने भी बताया, ये रही वो 12 रील की चरखी। जी हाँ, काफ़ी वेटेड है, वेटेड होती है ये। ये रही, इस पे लिखा है उस्ताद मिर्ज़ा जी अकबर मंसूरी माचा प्रोडक्ट्स। ये नई बस्ती नूर मस्जिद बाकरगंज बरेली यूपी की है। ये देखें फ़ोटोज़, आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखें, वो राइट साइड में मिर्ज़ा जी हैं और लेफ़्ट साइड में अकबर मंसूरी जी हैं, जो कि उनके शागिर्द हैं और वो भी अभी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे मांझे बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मांझों की दुनिया में मिर्ज़ा जी का एक बड़ा ही नाम रहा है, बड़ा योगदान रहा है और ये उन्हीं के शागिर्द हैं और इनका मांझा भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, मेरे दोस्त भी इसको यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने भी अच्छा रिव्यू दिया है। ये देखिए, यहाँ मोबाइल नंबर है, आप चाहे तो इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये पूरी 12 रील की है। ये रही वो, मैं अभी आपको ये खोल के दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये अंदर की लुक है, ब्लैक में है ये मांझा, काफी अच्छा शार्पनेस है इसका। जी हाँ, फुल ब्लैक है। मुझे ज्यादातर मांझे ब्लैक में ही पसंद है, मैं हमेशा ब्लैक ही यूज करता हूँ और ये भी ब्लैक है। ये पूरी 12 रील है, इसमें से कुछ भी यूज नहीं हुई है अभी, पूरी की पूरी कोरी है ये। मैं आपको माचा दिखाता हूँ, ये देखें, थोड़ा आपको नजर आ रहा होगा। काफी अच्छा है परफॉर्मेंस इसका, बहुत अच्छा है। मैंने इसे पतंगे लड़ाई भी है, अच्छी खासी पतंगे मैंने काटी हुई है। ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके पास किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इनबॉक्स। तो गाइस, दोस्तों, मैं आपके लिए अगले वीडियो टैपिंग के ऊपर लाऊंगा कि टैपिंग किस तरह करते हैं और कितने तरह की टैपिंग होती है आप कर सकते हैं। अगर आप दूर के पेंच लगाने हैं तो आपको टैपिंग करना ज़रूरी होता है, नहीं तो पतंग क्या होती है, हवा तेज़ होती है और आप दूर जाते हैं पतंग को लेके तो वो फटने के चांसेस होती हैं। तो आपकी पतंग ना फटे तो उसके लिए हम लोग टेपिंग करते हैं और जो इम्पोर्टेंट टेपिंग है वो ज़रूरी होती है। तो अगली वीडियो में टेपिंग के ऊपर लाऊँगा। ये कुछ पतंगे हैं जिनकी मैंने टेपिंग कर रखी है, ये देखें। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली वीडियो डालते रहूँ आपके लिए। तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो काइटिंग एंड आर्ट। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।